हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग स्थान, लर्न टू नो एंड नो टू लर्न। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रेन के बारे में। इलेक्ट्रिकल ट्रेन के अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं और उसका वर्किंग कैसे होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये है इंजन। ट्रेन का जो इंजन है, ब्रेन ऑफ द ट्रेन, राइट। इस इंजन में जो भी मेन इक्विपमेंट्स हैं उसको यहाँ पर इस सर्किट में दिखाया गया है। देखिए इसका वर्किंग कैसे होगा, वन बाय वन हम इसको डील करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर ये है ओवरहेड लाइन। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल ट्रेन के ऊपर एक सिंगल वायर होती है, राइट, और जिससे इस ट्रेन को सप्लाई किया जाता है। एक ही वायर होती है जिसे सप्लाई किया जाता है, राइट। तो वो ये वायर है, दिस इज ओवरहेड लाइन। यदि मैं इसके वोल्टेज की बात करूं तो वोल्टेज इसका वेरी वेरी हाई होता है, नियर अबाउट 25 किलो वोल्ट, इतना हाई वोल्टेज होता है इसमें, राइट। उसके बाद ये जो पार्ट होता है जहां से ओवरहेड लाइन से करंट को कलेक्ट किया जाता है, तो करंट को कलेक्ट करने वाला जो इक्विपमेंट होता है इसको हम बोलते हैं पेंटोग्राफ। ट्रेन का ये पार्ट कहलाता है पेंटोग्राफ। आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ये जो होल पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा सिस्टम कहलाता है पेंटोग्राफ, राइट। और इस पेंटोग्राफ में क्या है, यहाँ पर एक एयर प्रेशर सिस्टम लगा हुआ है। व्हाट इज दिस, दिस इज एयर प्रेशर सिस्टम। और ये जो एयर प्रेशर सिस्टम है इसका काम क्या है कि जो हमारा पेंटोग्राफ है उसको फोर्सफुली कॉन्टेक्ट वायर में टच करा के रखना। कॉन्टेक्ट वायर क्या होता है, ये नीचे वाली जो वायर होती है ना इसको कहते हैं कॉन्टेक्ट वायर, और जो ऊपर वाली वायर होती है इसको हम कहते हैं कैटेनरी वायर, दिस इज कैटेनरी वायर, राइट। तो जो हमारा कॉन्टेक्ट वायर होता है उसमें ट्रेन का पेंटोग्राफ ऑलवेज टच किया हुआ होना चाहिए, इसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गैप होगा तो वहां पर स्पार्किंग होगी, राइट। और स्पार्किंग होगी तो जो पेंटोग्राफ का ये वाला पार्ट है ये डैमेज होगा, है ना। स्पार्किंग होगी, लॉसेस होंगे वहां पर, तो ये डैमेज भी होगा। तो इसलिए क्या करते हैं ना, जो हमारा एयर प्रेशर सिस्टम है, एयर प्रेशर सिस्टम इसलिए यहां पर यूज कर रहे हैं सो दैट ये पेंटोग्राफ को पुश करके रखे और कॉन्टेक्ट वायर में इसको टच करा के रखे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं अगेन इस पिक्चर पे। पेंटोग्राफ के बाद यहाँ पर आप यूज करोगे एक सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर होगा, इसके साथ रिले होगा, करंट ट्रांसफार्मर होगा। इस पूरे होल जो सर्किट है उसको मैंने बोल दिया है सर्किट ब्रेकर, राइट। इसके बाद सर्किट ब्रेकर के बाद इसका कनेक्शन होता है एक ट्रांसफार्मर से। ट्रेन का जो इंजन होगा, इंजन के अंदर होता है ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो कि इस हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन करती है ये जो ट्रांसफार्मर। अब जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड होगा जहां पर आउटपुट में हमें लो वोल्टेज मिल रहा होगा, उस सेकेंडरी को हम कनेक्ट करते हैं एक रेक्टिफायर से, दिस इज रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर का जो आउटपुट होगा यानी कि डीसी जो आउटपुट होगा, इस डीसी को हम दे देते हैं किसमें, एक इन्वर्टर में, दिस इज इन्वर्टर। और जो इन्वर्टर का आउटपुट होगा, इस इन्वर्टर के आउटपुट को हम कनेक्ट करते हैं किससे, थ्री फेज इंडक्शन मोटर से। यहाँ पर जो व्हील होता है ना, व्हील के साथ कनेक्टेड होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ओके। ये तो ओवरऑल पिक्चर था। अब हम वन बाय वन इस पे बात करते हैं। देखिए वन बाय वन बात करते हैं। This is contact wire. Voltage is very very high, 25 किलो वोल्ट। और ये है पेंटोग्राफ। जो कि यहां से कनेक्शन लिया है और फिर ये एक सर्किट ब्रेकर से पास करेगा। इसके बाद ये कनेक्ट किया जाएगा एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से, दिस इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।
ये क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से हमने इसको कनेक्ट किया है। अब इसका जो आउटपुट होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज होगा, वो तो वेरी वेरी लो होगा। जितना हमें रिक्वायरमेंट होगी हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है, आउटपुट क्या है, एसी। यहाँ पर जो सप्लाई आ रहा है, दिस इज सिंगल फेज एसी सप्लाई, सिंगल फेज एसी सप्लाई। जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में सिंगल फेज एसी सप्लाई, इसके सेकेंडरी में सिंगल फेज एसी सप्लाई, राइट। अब ये जो सिंगल फेज एसी सप्लाई है, इसको हम कहाँ देते हैं, इसको देते हैं हम रेक्टिफायर में। एक रेक्टिफायर यूज करेंगे, दिस इज रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर के इनपुट के रूप में हम दे रहे हैं सिंगल फेज एसी। अब रेक्टिफायर का जो आउटपुट होगा, यहाँ पर कुछ वोल्टेज रेगुलेटर भी हम यूज कर लेते हैं, सो दैट इसका जो आउटपुट हो वो प्योर डीसी हो जाए, राइट। यानी कि जो उसमें हार्मोनिक्स हो, हार्मोनिक्स बहुत ही कम हो, इसलिए हम यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेटर भी यूज कर लेते हैं विद रेक्टिफायर, राइट। अब इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, डीसी होगा, है ना। रेक्टिफायर का आउटपुट डीसी। एक तो इस डीसी को हम यूज कर लेते हैं कुछ बैटरीज को चार्ज करने के लिए। आपने देखा होगा कि ट्रेन के जितने भी कोचेज होते हैं, राइट, जितने भी कोचेज होते हैं सबके नीचे में, यानी कि जहां पर व्हील होता है ना, व्हील के जस्ट ऊपर, उसके हर एक कोचेज में बैटरीज लगी होती हैं, बहुत सारी बैटरीज लगी होती हैं। उन सारी बैटरीज को चार्ज किया जाता है यहां से, राइट, बैटरी चार्जिंग, बैटरी चार्जिंग, बैटरी को चार्ज यहां से किया जाता है। अब जो बैटरी को हम चार्ज करते हैं, तो फिर बैटरी को तो चार्ज इसलिए करते हैं क्योंकि वहां से भी हमें बहुत सारी सप्लाई लेनी होती है ना। जो ट्रेन के कोचेज होते हैं उसमें ट्यूबलाइट्स होती हैं, फैन होती हैं, और इसलिए हर एक कोचेज में उसके नीचे में बैटरी लगी होती है, ओके। और उस बैटरी को यहां से चार्ज किया जाता है रेक्टिफायर के आउटपुट से। एक तो ये काम हो गया। इसके बाद कुछ वैक्यूम भी होता है, वैक्यूम सिस्टम होता है ना, वैक्यूम सिस्टम होता है। वैक्यूम सिस्टम होता है। उसके बाद अब मेन काम जो इसका होता है डीसी, डीसी में कन्वर्ट करने का, कि आप इस डीसी को थ्री फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में एज अ इनपुट दे रहे हो। थ्री फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, आप इसको सिर्फ इन्वर्टर भी बोल सकते हो, इन्वर्टर। तो जो हमारा थ्री फेज इन्वर्टर उसमें कनेक्ट किया रहता है, उसमें हम डीसी को एज अ इनपुट देंगे। अब इसका जो आउटपुट होगा, थ्री फेज इन्वर्टर इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, दिस इज थ्री फेज एसी। इसका आउटपुट आ रहा है थ्री फेज एसी। अब ये जो थ्री फेज एसी है, ये हम देते हैं किसमें, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। इसका सप्लाई हम देते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। दिस इज थ्री फेज इंडक्शन मोटर, राइट। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो आउटपुट होगा इन्वर्टर का, वहां से हम इसको कनेक्ट करेंगे। अब ये जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, इसका शाफ्ट देखो यहां पर है, दिस इज शाफ्ट। जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर ट्रेन में कनेक्टेड होते हैं, ट्रेन की व्हील में, उसमें जो शाफ्ट का एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन होता है वो दोनों साइड होता है, राइट। एक इस साइड भी होगा और एक इस साइड भी होगा, दोनों साइड शाफ्ट है, राइट। अब इस शाफ्ट के साथ क्या कनेक्ट करते हैं, शाफ्ट के साथ यहां पर आप कनेक्ट करोगे गियर व्हील्स, इसके साथ गियर व्हील्स होंगे कनेक्टेड। स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, राइट, दिस इज गियर व्हील्स। गियर व्हील्स आपने कनेक्ट कर दिया। अब इस गियर व्हील से आप कनेक्ट करोगे ट्रेन के व्हील को, दिस इज ट्रेन व्हील। जो ट्रेन का व्हील होता है उसके साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे। इस साइड भी देख लो,
दिस इज ट्रेन व्हील, इसके साथ कनेक्ट करें, राइट। और ये क्या है, वेट वेट, इस सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया कि ये है गियर वेल। ये पूरा का पूरा प्रोसेस इस तरीके से वर्क करता है, राइट। अब आप कहोगे कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर आपने यूज किया है, राइट, रन कराने के लिए क्या यूज किया आपने, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अब जब थ्री फेज इंडक्शन मोटर आपने यूज किया है तो सप्लाई सिंगल फेज क्यों ले रहे, है ना। जो इलेक्ट्रिफिकेशन होता है रेलवेज का, उसमें सिंगल फेज लाइन ही होती है, थ्री फेज वायर हम यूज नहीं करते। वहां पर आपने कहीं नहीं देखा होगा कि तीन फेज गया हो, आर वाई एंड बी, थ्री फेज सप्लाई तो नहीं जाता है, है ना। थ्री फेज सप्लाई हम यूज क्यों नहीं करते, सिंगल फेज सप्लाई हम क्यों यूज करते हैं। इसलिए यूज करते हैं क्योंकि सिंगल फेज सप्लाई वहां पर इकोनॉमिकल होता है, इकोनॉमिकल होता है सिंगल फेज सप्लाई। अगर आप इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर को रन कराने के लिए थ्री वायर लेके आ रहे हो, एक केस ये हो गया। दूसरा केस ये हुआ कि आपने सिंगल वायर लाया, सिंगल फेज लिया, सिंगल फेज सप्लाई, और इस सिंगल फेज सप्लाई को आपने थ्री फेज में कन्वर्ट कर लिया। जो भी मैकेनिज्म मैंने अभी आपको दिखाया था, ये आपने क्या किया, यहां से सिंगल फेज लिया, रेक्टिफायर से पास कराया, उसके बाद डीसी में कन्वर्ट हो गया, डीसी को फिर आपने इन्वर्टर से पास कराया, थ्री फेज इन्वर्टर से आउटपुट इसका क्या हो गया, थ्री फेज एसी, और वो जो थ्री फेज एसी है इंडक्शन मोटर को आपने दे दिया। तो यहां पर जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन इजी होता है, राइट। आप थ्री वायर लेके आओ, थ्री फेज सिस्टम लेके आओ, इसमें ज्यादा कॉस्ट लगेगा, दिस इज कॉस्टलियर, और ये होता है इकोनॉमिकल, दिस इज इकोनॉमिकल, राइट। इसलिए हम सिंगल फेज सप्लाई यूज करते हैं, थ्री फेज सप्लाई यूज नहीं करते हैं। वैसे भी आपने देखा होगा कि जो हमारा जनरेटिंग स्टेशन होता है, जनरेटिंग स्टेशन से जब पावर को ट्रांसमिट किया जाता है, जब आप पावर को ट्रांसमिट करते हो तो जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम होता है वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम थ्री फेज वायर यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर थ्री फेज वायर, थ्री फेज सिस्टम वहां पर इकोनॉमिकल होता है, इसलिए हम वहां यूज करते हैं। बट रेलवे के पर्पज से आपको सिर्फ और सिर्फ थ्री फेज इंडक्शन मोटर ही रन कराना है, राइट। इसके लिए थ्री वायर लेके नहीं आना है, क्योंकि ये हो जाएगा कॉस्टलियर, और यहां पर सिंगल फेज सप्लाई होगा इकोनॉमिकल। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो आपने थ्री फेज इंडक्शन मोटर यूज कर रहे हो, जो आपने यूज किया है इसमें, अब इसकी वोल्टेज रेटिंग कितनी होनी चाहिए, इसका जो इनपुट वोल्टेज है वो कितना होगा। तो ये नॉर्मल होगा 440 वोल्ट, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, इसको जब आप वोल्टेज दे रहे हो 440 वोल्ट दे रहे हो, राइट, नियर अबाउट 440 वोल्ट आप इसको सप्लाई दे रहे हो, राइट। तो जब आप 440 वोल्ट सप्लाई दे रहे हो तो सिंगल फेज सिस्टम में 25 किलो वोल्ट आपने क्यों लिया है, वहां पर जो सप्लाई होता है वो इतना हाई क्यों ले जाते हैं, है ना। सिंगल फेज सप्लाई में जो वोल्टेज होता है, जो कॉन्टेक्ट वायर का वोल्टेज होता है, वो कितना होता है, 25 किलो वोल्ट, वेरी वेरी हाई वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज हम क्यों लेके जाते हैं, हाई वोल्टेज हम इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि हाई वोल्टेज पावर को ट्रांसमिट करने के लिए अगर हम हाई वोल्टेज का यूज करें तो वहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि प्रॉफिटेबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, होल पावर सिस्टम का जो पावर फैक्टर हो जाएगा cos phi, इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। उसके बाद जो लॉसेस होंगे, पावर लॉस, वो बहुत ही कम होता है। पावर लॉस क्या होता है, बहुत ही कम होता है, राइट। उसके बाद जो पावर को सप्लाई करने वाला सप्लायर है, फॉर एग्जांपल आप उसको अगर ऑल्टरनेटर मान लो कि ऑल्टरनेटर से सप्लाई किया जा रहा है, कोई स्पेसिफिक ऑल्टरनेटर से सप्लाई किया जा रहा है, तो इसकी कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट होगी कम,
अगर सेम पावर आप सप्लाई कर रहे हो एक 25 किलो वोल्ट वाले सिंगल फेज सिस्टम से और एक 440 वोल्ट वाले सिंगल फेज सिस्टम से, तो जो हमारा 25 किलो वोल्ट वाला सिस्टम होगा, हाई वोल्टेज वाला सिस्टम होगा, वहां से अगर आप सेम पावर को ट्रांसफर कर रहे हो तो जो ऑल्टरनेटर लगा होगा उसकी कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट होगी कम। तो कम कैपेसिटी का भी ऑल्टरनेटर रहेगा, वो सेम पावर सप्लाई कर देगा अगर आप हाई वोल्टेज से सप्लाई कर रहे हो तो, राइट? तो इतने सारे प्रॉफिट होते हैं हाई वोल्टेज को यहाँ पर ट्रांसमिट करने का, राइट? आपने हाई वोल्टेज लाया, उसके बाद आपने क्या करना है, आपको आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो है लो वोल्टेज, तो आप क्या करोगे, एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यूज करोगे, स्टेप डाउन करोगे वोल्टेज को और 440 वोल्ट में आप कन्वर्ट कर लोगे, उसके बाद जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल कर लो, है ना? सिर्फ एक ट्रांसफार्मर यूज करना होगा, जस्ट वन ट्रांसफार्मर, और आपको इतना सारा प्रॉफिट यहाँ से मिल जाएगा। यही सिस्टम तो होता है हमारे होल पावर सिस्टम नेटवर्क में, जो जनरेटिंग स्टेशन से जब हम पावर को ट्रांसफर करते हैं तो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, पहले ट्रांसमिशन होता है उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो जब जब तक ट्रांसमिशन हो रहा हो वहां पर आपने देखा होगा कि वेरी वेरी हाई वोल्टेज वहां पर रखते हैं, हम जो सेंडिंग एंड वोल्टेज होता है वो बहुत ही हाई होता है, 400 किलो वोल्ट, 400 किलो वोल्ट से भी ज्यादा, राइट? तो इतना हाई वोल्टेज 400 किलो वोल्ट हम रखते हैं, जबकि जहां पर जनरेट होता है पावर जनरेटिंग स्टेशन पे, वहां पर जो वोल्टेज होते हैं वो 11 किलो वोल्ट ही होते हैं, नियर अबाउट 11 किलो वोल्ट होते हैं, कहीं कहीं 33 मान के चल सकते हो, लेकिन 11 किलो वोल्ट वहां का जो वोल्टेज होता है, उस 11 किलो वोल्ट को हम स्टेप अप करते हैं, स्टेप अप करके वोल्टेज के लेवल को हाई करते हैं और फिर उसके बाद पावर को ट्रांसमिट किया जाता है, और जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है फिर से हम क्या करते हैं, उस वोल्टेज को डाउन करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के उसको हम उस वोल्टेज को डाउन करते हैं, उसके बाद जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्रीज में या फिर हाउसेस में, उस तरीके से स्टेप डाउन लगा के हम उसको वहां से पावर को लेते हैं, राइट? लेकिन पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हाई वोल्टेज हम रखते हैं, वहां भी रखते हैं, क्यों? सेम प्रॉफिट यही होता है, और यही वर्क करता है, यही कॉन्सेप्ट वर्क करता है यहाँ पर भी, कि हाई वोल्टेज रखने का, 25 किलो वोल्ट रखने का, राइट? लेकिन रिक्वायरमेंट क्या होती है, ट्रेन के अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है, वेरी वेरी लेस वोल्टेज, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, राइट? ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो हमने सिंगल फेज सप्लाई लिया है, राइट? सिंगल फेज सप्लाई हमने लिया है ना, यहाँ देखो, अब सिंगल फेज जो सप्लाई हमने लिया है, सिंगल फेज सप्लाई में कितने वायर्स होने चाहिए, दो वायर्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वायर है, एक ही वायर है जिसके साथ ट्रेन का पेंटोग्राफ टच करता है, ओनली वन वायर, राइट? उसमें वोल्टेज है, वो लाइव वायर है, लेकिन सिंगल फेज सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए हमें दो वायर्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक होता है लाइव वायर, दूसरा होता है कौन सा, न्यूट्रल वायर। तो न्यूट्रल वायर तो यहां पर है ही नहीं, न्यूट्रल वायर तो गायब हो गया, तो फिर ये सिंगल फेज सिस्टम वर्क कैसे करता है, राइट? इसको समझते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी इक्विपमेंट अगर हम यूज कर रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अगर आप यूज कर रहे हो, यहां पर सपोज फैन है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक चाहिए लाइव वायर और दूसरा चाहिए न्यूट्रल वायर, इसका कनेक्शन आप कहीं से भी ले रहे हो, है ना? इसका कनेक्शन आप कहीं से भी ले रहे हो, लेकिन ये न्यूट्रल वायर होना चाहिए, इसका कनेक्शन जनरली जो आप यूज करते हो प्रॉपर तरीके से और इलीगल ना हो, है ना, लीगल तरीके से अगर आप सप्लाई को लेते हो, तो न्यूट्रल वायर का कनेक्शन आपके घर में जो न्यूट्रल वायर है उसका कनेक्शन आप लेते हो, जो वायर जो ट्रांसफार्मर से आती है उसके साथ आप इसको कनेक्ट करते हो। लेकिन एक दूसरा उपाय भी है कि आप लाइव वायर को जो यहां से ट्रांसफार्मर से जो फोर वायर्स आती हैं, R Y B एंड दिस इज न्यूट्रल, राइट? आप क्या करो, आपके घर का जो ये इक्विपमेंट होगा, सपोज दिस इज अ फैन,
फैन को आपने क्या किया है, यहां से कनेक्ट किया है, लाइव वायर आपने यहां से ले लिया, और न्यूट्रल आपने यहां से कनेक्ट नहीं किया। आपने क्या किया, अपने घर के पास ही थोड़ा सा डीप करके और यहां पर आपने एक प्लेट डाल दिया, दिस इज अ प्लेट ग्राउंड के अंदर, राइट, प्लेट डाल दिया और यहां पर आपने वायर को कनेक्ट कर दिया, यहां से आपने ले लिया न्यूट्रल, तो भी आपका इक्विपमेंट वर्क करेगा, नो डाउट, राइट। लेकिन ये तो इलीगल हो गया। मैं लीगल तरीके से मैं बात करूं तो लीगल तरीके से आपको क्या करना चाहिए, न्यूट्रल वायर से आप यहां पर सप्लाई लोगे, है ना, और इलीगल तरीके से ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल क्या होता है, आपको दो वायर्स की तो नीड पड़ेगी, एक तो लाइव वायर और एक न्यूट्रल, चाहे आप न्यूट्रल यहां से लो या फिर आप न्यूट्रल कहीं पर ग्राउंड कर दो, रिक्वायरमेंट तो होगी ना दो वायर की। लेकिन जो यहां पर हम यूज कर रहे हैं, यहां तो एक ही वायर यूज कर रहे हैं, दूसरा कहां से लाएंगे, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपने 25 किलो वोल्ट का जो एक सिंगल लाइन था, यहां पर आपने पेंटोग्राफ को टच किया, दिस इज पेंटोग्राफ, यहां से आपने पावर लिया और आपने एक ट्रांसफार्मर को दिया, दिस इज ट्रांसफार्मर, राइट, दिस इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब इस ट्रांसफार्मर का दूसरा, ये इस वाइंडिंग का जो दूसरा एंड होगा वो कहां से कनेक्ट होगा, अब आप इसको देखो, क्योंकि इसको न्यूट्रल भी चाहिए, न्यूट्रल कहां से आएगा, तो सपोज दिस इज रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक है ये, रेलवे ट्रैक पर ये है ट्रेन का व्हील, ट्रेन व्हील, रेलवे ट्रैक कनेक्टेड है ट्रेन व्हील के साथ, और जो ट्रेन व्हील है ये कनेक्टेड है 3 फेज इंडक्शन मोटर के साथ, राइट, और इसका कनेक्शन जो भी इक्विपमेंट्स है वहां से है, राइट। अब इसका कनेक्शन यहां से भी होगा, राइट, इसका कनेक्शन जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसका कनेक्शन यहां से भी होगा, व्हील के साथ कनेक्टेड होगा, इट मींस जो इसका न्यूट्रल वायर है वो डायरेक्ट ग्राउंड से आता है, एक वायर तो यहां आ गया, दिस इज लाइव वायर, और न्यूट्रल की जो नीड होती है, जिस तरीके से मैंने यहां पर आपको बताया कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एक वायर ले आओ, न्यूट्रल का वायर ले आओ, वहां से आप कनेक्ट कर लो, या फिर अगर आप न्यूट्रल वायर से नहीं ले रहे हो तो आप अपना खुद का वहां पर ग्राउंड करके वहां से भी आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, दिस इज सेकेंड चॉइस, और यही जो हमारा सेकेंड चॉइस है यही यूज किया जाता है। यहाँ पर दो वायर तो नहीं लाते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं ना, जो हमारा रेलवे ट्रैक होता है वहां से न्यूट्रल को हम सपोर्ट लेते हैं, वहां से न्यूट्रल सपोर्ट होता है। अब इस रेलवे ट्रैक को क्या करते हैं, कुछ ही डिस्टेंस पर, नियर अबाउट 100 मीटर और 200 मीटर, इतने ही कम डिस्टेंस में हम क्या करते हैं, रेलवे ट्रैक को एक वायर के साथ बोल्ट करके और उसको ग्राउंड करते हैं, क्योंकि रेलवे ट्रैक हो सकता है कहीं कोई ब्रिज हो, ब्रिज के ऊपर हो रेलवे ट्रैक, राइट, तो ब्रिज के ऊपर हो तो वहां पर न्यूट्रल प्रॉपर नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं, उसको जो रेलवे ट्रैक है उसमें आपने देखा होगा या फिर आप कभी देख लेना कि बोल्ट किया जाता है वायर, और उसको बोल्ट करके और डीप उसको ग्राउंड किया जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है, और ये जो काम होता है ये हर एक 100 मीटर और 200 मीटर के दौरान ही होता है, राइट, यहां पर भी इसको ग्राउंड किया जाएगा, यहां पर भी इसको ग्राउंड किया जाएगा, मतलब प्रॉपर ग्राउंडिंग होती है कि जो न्यूट्रल का कनेक्शन, जो रेलवे ट्रैक हो उसका जो न्यूट्रल हो वो बिल्कुल स्ट्रांग न्यूट्रल हो, स्ट्रांग न्यूट्रल बन जाए, इट मीन्स यहाँ का वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट, राइट, यहां का वोल्टेज 0 वोल्ट, व्हील का जो वोल्टेज 0 वोल्ट, अब यहां का वोल्टेज 0 वोल्ट, यहां का वोल्टेज 25 किलो वोल्ट, तो हो गया ना सिंगल फेज सप्लाई, दिस इज सिंगल फेज एसी सप्लाई, राइट, सिंगल फेज एसी सप्लाई यहां से बन गया, ओके। अब इसका जो आउटपुट है वो आप रेक्टिफायर से पास करो, इन्वर्टर से पास करो, है ना, ये फिर आगे का प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। तो एक वायर क्यों यूज करते हैं और दूसरा वायर कहाँ से होता है, दूसरा जो कनेक्शन होता है कहाँ से होता है, वो मैंने यहाँ पर बताया।
दूसरा कनेक्शन कहाँ से होता है, रेलवे ट्रैक से लिया जाता है, जो ग्राउंडिंग होती है रेलवे ट्रैक से होती है। क्योंकि जब हम सिंगल फेज सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर जो जो करंट होगा उसको एक क्लोज लूप चाहिए, है ना। करंट को क्या चाहिए, एक क्लोज लूप चाहिए, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, राइट। ऐसे करके करंट इसमें फ्लो करेगा। तो अब आप कहोगे कि न्यूट्रल वायर से तो करंट फ्लो कर रहा है क्योंकि एक क्लोज पाथ चाहिए करंट को फ्लो करने के लिए। इट मींस जब आपने ट्रैक से यहां पर न्यूट्रल लिया है, न्यूट्रल सपोर्ट आपने ट्रैक से लिया है, इट मींस ट्रैक में करंट फ्लो करता होगा। जी हाँ, ट्रैक में भी करंट फ्लो करता है, राइट। तो जो करंट है वो यहां से ऐसे फ्लो करेगा इस वायर से, लाइक दिस, और फिर इस व्हील से होते हुए ये रेलवे ट्रैक में ऐसे फ्लो करेगा, और फिर जो नियरेस्ट जो ग्राउंड होगा उसमें वो चला जाएगा, नियरेस्ट ग्राउंड। यदि ट्रेन इससे आगे निकल चुकी है, सपोज ट्रेन का व्हील यहां पर है ना, तो इसके इस व्हील के नियरेस्ट जो ग्राउंड होगा वो वहां पर चला जाएगा, राइट। मतलब होल ट्रैक में फ्लो नहीं कर रहा हो, है ना। आपने देखा कि यहां पर अगर जो व्हील है तो जो करंट है वो यहां से फ्लो किया और यहां पर ग्राउंड हो गया, दैट्स इट, इतना सारा पोर्शन है, ओके। अब आप कहोगे कि जब ट्रैक में करंट फ्लो कर रहा है तो क्या अगर कोई इंसान यहां पर खड़ा होता है इस ट्रैक पे, यहां पर अगर कोई इंसान खड़ा होता है तो क्या इसको शॉक लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा शॉक? देखिए, शॉक क्यों नहीं लगेगा, दिस इज रेलवे ट्रैक, दिस इज रेलवे ट्रैक, इसको हमने ग्राउंड कर रखा है और ये जो ग्राउंडिंग है स्ट्रॉन्ग है, 0 वोल्ट, यहां का वोल्टेज 0 वोल्ट, एवरीवेयर वोल्टेज इज 0 वोल्ट। अगर कोई इंसान यहां पर खड़ा होता है इसके ऊपर, ये इसके ऊपर ये खड़ा हो गया, ठीक है। अब इसका एक पैर वोल्टेज 0 वोल्ट, दूसरा पैर वोल्टेज 0 वोल्ट, दोनों पैर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, पैर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, देखो एक पैर यहां है, एक पैर यहां है, इस पैर का जो पोटेंशियल है 0 वोल्ट, इस पैर का पोटेंशियल 0 वोल्ट, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस 0 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस है 0 वोल्ट, राइट। जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0 वोल्ट तो आपके थ्रू यहां पर करंट फ्लो नहीं करेगा, आपको शॉक नहीं लगेगा। शॉक क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, राइट। आप खड़े होते हो, पोटेंशियल डिफरेंस 0। यहां तो चलो कि रेलवे ट्रैक है, इसका वोल्टेज ही 0 है, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 आया है ना। अगर इसमें 0 वोल्टेज नहीं होता, सपोज ये रेलवे ट्रैक है और इसका वोल्टेज है 100 वोल्ट, सपोज 100 वोल्ट है इसका वोल्टेज है 100 वोल्ट, उसके बाद भी अगर इसके ऊपर आप खड़े होते हो तो भी आपको शॉक नहीं लगेगा। अगर आप यहां पर खड़े होते हो तो आपको शॉक लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि फिर भी इन दोनों के बीच में, आपके दोनों पैर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अभी भी 0 होगा, और इसी की वजह से आपको शॉक नहीं लगेगा। आपने जनरली देखा होगा जो ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं उस पे, दिस इज ट्रांसमिशन लाइन, सपोज 400 वोल्ट है इसका वोल्टेज, आपने देखा होगा किसी बर्ड को, है ना, आपने एक बर्ड को देखा होगा इसके ऊपर बर्ड को आपने देखा होगा बैठे हुए। अब उस बर्ड को शॉक क्यों नहीं लगता है? रीजन यही है, उसमें वोल्टेज तो है 400 वोल्ट है, उस वायर में वोल्टेज है 400, लेकिन जो उस बर्ड का दोनों पैर है, दोनों पैर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 0, राइट। दोनों पैर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, नियर अबाउट 0 है, वहां पर एक्चुअली 0 नहीं होता है, वेरी वेरी लेस होता है, राइट। क्योंकि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें उसमें हर जगह वोल्टेज सेम नहीं होता है,
डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो नहीं बोल सकते, बट नियर अबाउट जीरो बोलेंगे, वेरी वेरी लेस अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर होता है। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो और इसका बर्ड का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है, बर्ड का रेसिस्टेंस वो होता है हाई, रेसिस्टेंस हाई है और पोटेंशियल डिफरेंस नियर अबाउट जीरो, या फिर आप इसको जीरो वोल्ट कह दो, तो इसलिए इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करता है, राइट। उसके अंदर बर्ड के अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा और इसलिए उसको शॉक नहीं लगता है पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने की वजह से। अब यहाँ पर रेलवे ट्रैक पे देखो, वहां तो चलो 400 वोल्ट था वहां पर, तब उसको शॉक नहीं लगा। आप यहाँ रेलवे ट्रैक पे बता रहे हो जीरो वोल्टेज है, तो फिर शॉक कहाँ से लगेगा, नहीं लगेगा, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर, इसमें जो सारा जो भी इक्विपमेंट था, कैसे वर्क करता है, मैंने सब कुछ बता दिया। आई थिंक मैक्सिमम पॉइंट इसमें कवर हो चुके हैं। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।